हेलो गाइस, इट्स मी हुसैन। यू आर वाचिंग HTDXG। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और अगर आप इस चैनल पे नए हैं जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहले से मौजूद हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो, फ्री है भाई। और जिस वीडियो पे जी आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल है BTS सेल्फी इन भूतिया हाउस हिंदी डबिंग। तो देखते हैं जी भूतिया हाउस। इससे पहले हमने भूल भुलैया ट्रेलर फीचरिंग BTS किया था, अच्छा लगा था, अच्छी डबिंग थी। तो ये देखते हैं जी इन्होंने किस मूवी को पकड़ा है और डबिंग की है। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। एक गांव था जहाँ पे भूत भुलैया नाम की हवेली थी और वहाँ पे BTS अपनी एकदम रास्ते वाली क्यूटी ब्यूटी वाली फोटो शूट कर रहे थे। बेटा सेल्फी ले ले रे। शूटिंग करते करते रात हो चुकी थी, लेकिन अचानक से आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और जोरों की बारिश होने लगी। लेकिन BTS इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस हवेली में उनके अलावा भी कोई है। ए, कौन है वहाँ पे? वेलकम टू भूल भुलैया फोटो शूट पार्ट 1। पार्ट 1 है 15 मिनट के। आज हम क्या खेलेंगे? आज कुछ रैपचिक खेलेंगे। बोले तो बिरु, आज की वीडियो में इस हवेली के कोने कोने में आपको पर्चियां मिलेंगी और इस पर्ची में जो भी लिखा होगा सेम वैसे ही सेल्फी BTS को लेनी है। और कुछ चाबी वाले कार्ड भी मिलेंगे जिस पर लॉकर का पासवर्ड लिखा हुआ है और उस लॉकर में पैसे, गिफ्ट, पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन BTS के बीच एक सीक्रेट स्पाई है और सीक्रेट स्पाई BTS की सेल्फी को खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन BTS को ये बिल्कुल नहीं पता है कि असली सीक्रेट स्पाई है कौन। तो इस राज से पर्दाफाश करने के लिए चलिए गेम शुरू करते हैं। तुम दोनों गुलाब का फूल बनके क्यों आए हो? बिग बॉस वाले भी यही से आइडिया लेते होंगे। मेरे बाबू को क्या दिखा रहे, कैमरे में दिखा ना। चंक, आर यू रेडी? तू स्टार्ट करना बे। चार चाहिए बा। ए पिंकी टी-शर्ट वाली पिंकी, मेरे को भी देना देना। मैं नहीं दूंगा। टकला दिन दहाड़े चीटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, मजा आ रहा है मेरे को देख के। बिगवा पर्ची दे दे। मैं नहीं दूंगा। रुक जा चोर गली का। मुझ जैसा हैंडसम चोर कभी देखा भी है तुमने? हाँ, तेरे जैसे ही चोर होते हैं। चोर तो मेरे को तू लग रहा है। वो भी काले कच्चे वाला। इसने मेरी तेजी तेजी कुछ बोले थे। अच्छी बात है, मैं मासूम और भोला हूँ। दिखता स्वामी है लेकिन है हरामी। आरन भाई, क्या बेइज्जती की है तेगुआ की? बड़े सैंडविच हो गए। तेरी भी करूं क्या? आरन नहीं भैया। ए आना, क्या कर रहे हो भैया, छिछोरे हो गए हो? ए पापा की परी किधर चली? गेम खेलने। ए मेरे को इतना मत देख, फिदा हो जाएगी। सीढ़ी से मैं उतरा। ए बिल्ले हट। ए आंटी, आई लव यू। इधर कुछ है क्या? ओ मिल गया एक पर्ची, अब तो मैं माला माला जाऊंगा। इधर भी कुछ और इधर मिल गया। ए हट मैं लूं ले। Guys!
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अरे भैया जी ने कहीं दिखे तो बताना, फोटो चाहिए। BTS में एंट्री हुई थी नुसरत फतेह अली खान। अच्छा जी, मैंने ये पार्ट वन का जो है ना हाफ एपिसोड पे रिएक्ट किए, हाफ पे हम नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक्साइटमेंट थोड़ी कम होती जा रही थी। मैंने टाइटल देखकर सोचा होगा कि ये भूतिया हाउस है, अभी तक भूतिया हाउस कहीं मिला नहीं है। बाकी तो फन एलिमेंट चल रहे हैं, कोई मतलब रन BTS के ही एपिसोड है जिसमें एक्टिविटी है कि आपने डिफरेंट टास्क के हिसाब से पिक्चर्स कैप्चर करनी है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन वो जो मेरी ये वाली एक्सपेक्टेशन थी ना कि शायद स्टोरी टेलिंग होगी जैसे भूल भुलैया का हमने एपिसोड किया था, भूल भुलैया 2 वाला ट्रेलर, उस तरह की होगी, वो नज़र नहीं आया। तो वो बीच में ना मेरी आप कह लें कि मेरा फोकस डाइवर्ट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस टाइटल को हम लेके चले थे ना, वो बीच में ना मिलने की वजह से अटेंशन मेरी लूज़ होती जा रही थी। तो मैंने इसलिए फिर सोचा कि इससे पहले कि हम डायमेंशन ही हमारा चेंज हो जाए, तो हम जो है ना हाफ एपिसोड पे अभी रिएक्ट करेंगे और हाफ पे जो है हम नेक्स्ट में करेंगे। इस तरह हमारी वीडियो का साइज़ भी कम रहेगा, ड्यूरेशन भी कम रहेगा, क्योंकि लेंथी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि जो ऑडियंस रिटेंशन है वो भी कम हो जाती है। तो ये जी हाफ वीडियो पर रिएक्शन है, नेक्स्ट पे हम बाकी रिमेनिंग वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। और आप भी हमें जो है ना तरह तरह की वीडियो सजेस्ट करते रहें ताकि हम नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।